अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। वेलकम माय यूट्यूब चैनल के ऑडियंस। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि नेम ग्राउ नेम आर्ट वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए आपको एक अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलाइट मोशन को आप ओपन कर लेते हैं। इसका पेज इस तरह का ओपन होगा। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी चूज़ कर लेना होगा। टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ये सब मिल रहे हैं। इसके बाद आपको मैं टिकटॉक के लिए सिलेक्ट कर लेना हूँ, कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट में जाए। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। उसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। ये इस बैकग्राउंड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना होगा और उसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। आपने इसी तरह आपने भी बढ़ा लेना। मैं यहाँ पे 8 सेकंड का रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से रख लें। ये देखें, ये मैंने रख लिया। उसके बाद आपको इसी खाली जगह में टैप करना होगा, ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक इमोजीज लगाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करना होगा। टेक्स्ट आपको मिल रहा होगा, इस पर टैप करें। ये देखें इस तरह होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इमोजीज लगा लेते हैं। ये देखें, आप एप्पल लिखेंगे तो एप्पल इमोजी ये आ जाएगी। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पे लगाना है। इस तरह लगाने के बाद आपको यहाँ पे 18p मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेते हैं 80। हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। यहाँ ठीक है 28। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डब्बा मिल रहा होगा। डब्बे के आइकन में क्लिक करने के बाद आपको ये पेंसिल के आइकन के नीचे वाले आइकन पे क्लिक करना, उसको मैनेज कर देना इस तरह। ये देखिए वो शो हो रही है। इसको डन कर दें। डन करने के बाद इस इमोजी वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको बढ़ा लेते हैं। जहाँ तक हमारा ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसी तक, उसी के बराबर हम इसको कर लेते हैं। ये देखिए ये हो रहा है। और ये बड़ा हो गया, हम इसको बराबर कर लेते हैं। इसी पे टैप करना होगा। उसके बाद आपको साउंड के साथ वाला आइकन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे ये बराबर हो जाएगा। देखें ये बराबर हो गया। उसके बाद हम इसे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे इफेक्ट्स मिल रहा होगा। इस पर इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट में जाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पजल साइज इफेक्ट मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लग गया। उसके बाद हम ये देखें ये लग गया, इस तरह ये लग जाएगा। ये देखिए उसके बाद आपको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। आपको मूव ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल रहा होगा। उसके बाद इस आइकन पे ये देखें इस तरह हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये हो गया। उसके बाद ये देखें इस तरह। उसके बाद हम इसी खाली जगह पर टैप करके इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दो डब्बे मिल रहे होंगे। ये देखें इस पर सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। एक डुप्लीकेट लेयर बन गई। उसके बाद इसी लेयर पर सेलेक्ट करने के बाद एक लेयर को हम यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट ए का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर टैप करें। उसके बाद इसको हम मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे HERT। ये देखें हेयर इमोजी लगा लेते, दिल इमोजी लगा लेते। उसके बाद डन कर देते हैं। ये देखें ये देखें ये हर्ट मुझे लगी। उसके बाद हम यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करते हैं। यहाँ टेक्स्ट में लिख लेते हैं जो हम आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लें। मैं यहाँ पे लिखूँगा AS। ये देखें ये लिखने के बाद हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। देखें ये साइज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम
यहाँ से आपको डब्बा मिल रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये देखिए यहाँ से हम वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम डन कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए एडजस्ट हो गया। उसके बाद आप बॉर्डर शेडो पे जाएं, उसके बाद स्ट्रोक देना, स्ट्रोक ऑन कर देना। ये देखिए स्ट्रोक हमने दे दिया, ये स्ट्रोक का कलर हमने वाइट देना है। ये देखिए वाइट कलर आ गया। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं, खाली जगह में टैप करके हम कहीं भी आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद इसी लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कलर फिल पे जाएंगे, यहाँ पे कलर फिल मिल रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखें पेंसिल के आइकन के साथ में एक डब्बा मिल रहा होगा। इस पर क्लिक टैप करने के बाद इसको इस तरह हम मैश कर देना है। ये देखें ये डबल हो गया, इस तरह डबल हो जाएगा। ये मैनेज कर देंगे, उसके बाद खाली जगह पर टैप करके वापस आ जाए, बैक आ जाए यानी कि। उसके लिए हम यहाँ पे एक इफेक्ट लगाना होगा हमको। हम इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए एडजस्ट हो सकता है यहाँ से, वहाँ से भी कर लें यहाँ से। ये देखिए हो गया। ये देखिए अब हम इसी लेयर को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इफेक्ट मिल रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस पर टैप करने के बाद ऐड इफेक्ट मिल जाए आपको पजल, यहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट मिल रहा है। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ी सी गौर करनी है, आपको तभी समझ आएगी। आपने पहले स्टार्ट पे है इसको ऐड में कर लेना है, उसके बाद नीचे वालों को ऐसे कर देना है। ये देखिए हमारा नाम रिमूव हो रहा है बैक की तरफ, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्लस के आइकन पे टैप करना है। उसके बाद सॉरी गाइस हम थोड़ा बैक आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। बैक आने के बाद हम इसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं नाम वाले को, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम ये भूल गए थे, इसको हम 8 सेकंड बराबर कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इस एड इफेक्ट लगाएंगे, बैक कर जाते हैं यहाँ इसी लेयर पे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट मिल रहा होगा। एड इफेक्ट में जाने के बाद ड्राइंग प्रोग्रेस में जाने के बाद यहाँ पे आपने गौर वो थोड़ी सी गौर करनी है, तभी आपको समझ आएगी। एंड पे जाएँ, एंड पे जाने के बाद आपको इस तरह ये मैनेज कर देना है। ये देखें इस तरह आपने मैनेज कर देना। उसके बाद यहाँ प्लस के आइकन पर टैप करें, और आपकी लायर पर एक टिक का ऑप्शन थोड़ा सा लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ इसको हम एंड पे कर देते हैं। उसके बाद जो हमने लेयर पहले 100 से 1 तक लेकर आए थे, उसको हम 100 से 100 तक लेके जाएंगे। ये देखें ये देखिए 100 तक आ गए। उसके बाद हम खाली यहाँ पे टैप कर देते हैं। ये देखें उसके बाद हम इसको ये देखें ये चल रही है। ये देखें हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ एड इफेक्ट लगाएंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इमेज वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये बलून ले लेना है। ये देखें ये बलून आपको मिल रहा होगा, उसका साइज हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मूव ट्रांसफर में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा होगा तीसरे नंबर पे तीर का ऑप्शन। इस पर सेलेक्ट करने के बाद हम इसका इस तरह मैश साइज का सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अपने मर्जी से आपने साइज कर रख लेना है, मैं यहाँ पे रखूँगा। ये देखें ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर खाली यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद इसके लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। जहाँ का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर को रबर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी।
ये देखें, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बराबर कर दें, यहाँ पे कट कर दें। ये देखें, ये बड़ा बराबर हो गया। उसके बाद एक लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा होगा मूव ट्रांसफर, यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ से जहाँ लेयर का नाम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हम इसको वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह, यहाँ पे आपने दूसरी गौर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का आइकन मिल रहा है, इस पर टैप कर देना है। ये देखें, ये वही पहले ही तरह यहाँ पे टिक लग गया। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इसी बलून को यहाँ से इस तरह ले जाना है। ये देखें इसी तरह ये ऑटोमेटिकली लगता जाएगा। आपने लोग इस तरह आपने करते जाना है, ये लो का ऑटोमेटिकली लगता जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बढ़िया, लेकिन आपने स्किप नहीं करनी, मैं अच्छी तरह नहीं कर रहा, आपने अच्छी तरह ही करना है। उसके बाद आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो स्किप करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ये देखिए, आपने इस तरह अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है, मैं अच्छी तरह एडजस्ट नहीं कर रहा। उसके बाद हम दूसरे वाटर पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ये देखें, आपने अच्छी तरह करना है, मैं थोड़ी सी जल्दी से कर रहा हूँ। ये देखें, हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप कहीं भी खाली जगह पर टैप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें, आपने अच्छी तरह से बलून की पैक कर लेना। ये देखें, ये वीडियो अच्छी तरह बन जाएगी। उसके बाद आप इस प्लस के आइकन पे टैप करने के बाद इमेज वीडियो में जाकर आप यहाँ से कोई भी सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं, जो भी आपका ऑडियो में जाकर ऑडियो भी लगा सकते हैं, वीडियो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह वीडियो लगानी है। देखिए, मेरे पास तो कोई वीडियो नहीं, यानी कि आप कोई भी वीडियो यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से हम वीडियो सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए, ये मेरा सॉन्ग है, प्लस के आइकन पे टैप करना, ये लग जाएगा। उसके बाद इस तरह आपने भी कोई भी सॉन्ग लगा लेना है। ये देखिए, ये इस तरह लग जाएगा। सॉन्ग लगाने के बाद आपको यहाँ ऊपर तीर का आइकन मिल रहा होगा डब्बे के साथ, इस पे टैप करना, और टैप करने के बाद आपको वीडियो सिलेक्ट कर लेना। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सपोर्ट कर देना है। ये देखें, एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये देखिए, एक्सपोर्ट हो रहा है। ये आपकी गैलरी अलाइट में सेव हो जाएगा। आप गैलरी ओपन करने के बाद अलाइट मोशन ढूंढना होगा, वहाँ आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। यहाँ आपको सेव मिल रहा होगा, सेव क्या क्लिक करेंगे। ये देखें, ये सेव टू गैलरी, ये गैलरी में सेव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलती है आप नेक्स्ट वीडियो में।